माता जी का ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम आज यहाँ पर आए हैं Birmingham, England. And we've come to join in the mass marriages. Our beautiful experience. So it's a blessing to be here. आज 73 couples हैं जो जिनका ये बंधन इस रूप में जुड़ रहा है. तो ये दो एक हस्बैंड वाइफ भी सिर्फ आपस में नाता नहीं जोड़ रहे, तो उनके परिवार भी आपस में नाता जोड़ रहे हैं. तो ये जिम्मेवारी जहाँ वर और वधू दोनों की है कि कैसे आगे ये भक्ति में लीन होके अपने ये आगे की यात्रा को तय करना है, परिवार में सभी की इज्जत करते हुए और एक दूसरे के भावों की कदर करते हुए कैसे ये सेवा सिमरन सत्संग से के लिए दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करना है, वो उत्साह डालना है कि कहीं वो आलस रूप ना हो जाए. कोई भक्ति मार्ग में कहीं पीछे है तो उसके साथी का फर्ज है कि उसको और इनकरेज करे. और ये दातार ये इस विवाह से जो अब दो हो गए हैं, तो ये दातार सभी पे कृपा करे कि कैसे हर एक समय में बस निरंकार प्रभु परमात्मा ही आगे याद हो, तो अपने आप अपनी सारी ड्यूटीज़ भी अपने फ़र्ज भी ये प्यार से आगे और मुकम्मल होते जाएंगे. तो आज जहाँ सिर्फ महाराष्ट्र के ही परिवार नहीं हैं, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और यूनाइटेड किंगडम के भी हैं, तो दातार सभी पे कृपा करे कि परिवार में जहाँ खुशहाली हो वहाँ सेवा सिमरन सत्संग के ज़रिए इस निरंकार प्रभु का जो एहसास है वो हर एक के जीवन में सदा बना रहे. सत संगत जी, धन निरंकार जी. आज के त्रिपुर में संत समागम के 27 जनवरी 2020 को मिशन ने ये सामूहिक शादियों का ये दिन रचा है, जिसमें 74 सामूहिक शादियां हो रही हैं. और हर्ष की बात ये है कि नासिक में जो ये बड़ी पवित्र धरती है, यहाँ पर 29 ग्रूम जो वर हैं वो मुंबई से आए हैं, 28 वधू मुंबई से आई हैं, और अपने बाकी जो जोन महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर 39 वर हैं और 36 वधु आई हैं. इसके अतिरिक्त बाकी जो हिंदुस्तान इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें में ही 6 वर हैं और 10 वधु हैं और एक वधु यूके से आई हैं. तो ये जो मैसेज है मिशन का वो ये है कि एक सिंपल मैरिज हो, वर वधु के परिवारों के ऊपर उस तरीके का जो दिखावा है वो ना हो, क्योंकि मिशन इनके लिए ना कि ये अरेंजमेंट करता है इनकी रिहाइश के लिए, इनके पोशाक और भी हर प्रकार के जो एरियाज़ हैं वो देख करके. कहने का तात्पर्य है ये कि आज सिंप्लिसिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो दूर हो गई हैं, आज दिखावा बढ़ गया है, लेकिन प्रभु के नज़रिया में हम सब एक हैं. तो वो एकता के अंदर में ये सामूहिक शादियाँ जो हैं वो सबको हर स्थिति के जो हैं, जो आपको ये भी हर्ष होगा कि स्वयं बाबा जी की भी जब शादी हुई थी या सदगुरु माता जी की भी, वही सामूहिक शादियों में की गई, ताकि ये संदेश जाए कि हम सब एक हैं, हर प्रकार एक है, इकोनॉमिक वाइज, कास्ट वाइज हम मानते नहीं हैं, क्योंकि एक प्रभु और एकस के हम बालक हैं. तो आपका कहना कहीं ना कहीं ये है, आपका निरंकार मिशन ये संदेश देता है कि दहेज से परहेज किया जाए. बिल्कुल, ये सिंपलिसिटी का मतलब यही है कि दहेज हम इस तरीके से मानते भी नहीं हैं, और सिंपलिसिटी का मतलब यही है कि जो ये पुरानी रीति चली आई है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि अभी क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है. पहले ये क्यों हुई कि भी नया वर वधु घर बसाता है, कोई बर्तन चाहिए, ये चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज वो मांग की जा रही है कि हमें इतना दहेज दिया जाए. तो मिशन ये संदेश देता है दहेज से परहेज और सिंपलिसिटी जो हमारे जीवन में हो वही प्यार, क्योंकि जो वर वधु इकट्ठा जीवन बिताएं, सुखी जीवन बिताएं और गुरुचरणों के साथ रहें, इससे बड़ी जो आप समझते हैं वेल्थ है वो है नहीं. Birmingham, England. And we've come to join in the mass marriages, sharing this experience with everyone in the presence of Sadhguru and
living by the teachings of Sadhguru, Baba Gurbachan Singh Ji said, simple marriages, the mass marriages, are a beautiful experience. So it's a blessing to be here. बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए नया मतलब सब नया नया जैसा है मतलब अलग सा एक फीलिंग आ रहा है पुणे से हूँ महाराष्ट्र में मैं जितेंद्र गुप्ता शिरूर से आया हूँ मुंबई से यूपी से बिलोंग करती है ये माता जी का ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम आज यहाँ पर आए हैं और हम इतनी लाखों में सत्संग देखकर और हम उनके ब्लेसिंग के पात्र बने हैं ये हमारे लिए बहुत